हाल चाल दोस्तों। तो आज हम इन सेंटरों में लगाने वाले हैं डीएसपी। लास्ट टाइम मैंने इसमें इक्वलाइज़र लगाया था पाइनियर का, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है, तो भाई ने मेरी सलाह ली है यहाँ ना लगा के, डिग्गी में ना लगा के यहाँ, तो बेस्ट है, बेस्ट प्लेस है, बेस्ट कॉम्बिनेशन रह जाएगा। तो मैं पूरी इंस्टॉलेशन वगैरह बताता हूँ, फिर उसके बाद साउंड सिस्टम, साउंड दिखाऊंगा कितना इन्हेंस हो गया है। इसकी वीडियो रह गई थी, इसकी वीडियो मिस रह गई थी क्योंकि भाई जल्दी में था और थोड़ा मैं भी जल्दी में था, तो मैं बना नहीं पाया। ये मैंने ही फिट कराया इसके अंदर, तो ये वाला इधर फिट होएगा। तो चलते हैं इसको फिट करते हैं, फिर उसके बाद में इसका साउंड सिस्टम सुनते हैं, बेस्ट रहेगा। तो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा कि क्या क्या भाई ने लगा रखा है, क्या क्या नहीं है। तो चलते हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और उसके आगे लगे बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलते हैं। तो मैं आपको इसके आउटपुट्स और इनपुट्स बता देता हूँ कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है अगर खुद से भी आपको करना है। तो ये है डीएसपी। तो मैं इसके बैक साइड में जाता हूँ, तो बैक साइड में हमारे सिस्टम की तरह ही इसके अंदर भी आरसी आउटपुट्स हैं सारी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फ्रंट आउट्स हैं और ये हमारा रेयर आउट्स हैं और ये मेरा सबवूफर का है। 7600 में ही आपको ऑप्शन मिलेगा सबवूफर का, 7200 वगैरह में नहीं मिलेगा क्योंकि 7200 इससे नीचे वाला मॉडल है। तो ये सबवूफर आउट, रेयर आउट और हमारा फ्रंट आउट, और ये वाला आप देख रहे हो ये हमारा जाएगा सिस्टम में, गाड़ी के सिस्टम के इनपुट्स में हमारा ये जाएगा, वहां से ये आउट लेगा। तो ये हमारा इन है और ये हमारे आउट्स हैं। तो ये हम गाड़ी के हेड यूनिट में लगाएंगे। फिलहाल हमारे में इक्वलाइजर लगा हुआ है, तो इक्वलाइजर के जो हमारा आउट आ रहा है वो इसके अंदर जाएगा, इसका आउट इसमें आएगा इन, फिर यहाँ से आउट निकलेगा। आउट और इन समझ लेना दोस्तों, इन मतलब अंदर जा रहा है, मतलब सोर्स हमारा जो सॉन्ग का सोर्स रहेगा वो अंदर जाएगा, फिर जाएगा हमारा आउट। तो ये आउट जाएगा हमारे एम्पलीफायर में, सबवूफर का सबवूफर में जाएगा, रेयर का रेयर में और स्पीकर और फ्रंट का फ्रंट में। उसके बाद में हमारा ये हमारा मेन है हमारा बैटरी, ग्राउंड और रिमोट वायर। तो मैं इसका भी कनेक्शन आपको दिखाऊंगा कैसे करना है, बाकी आपको ये थोड़ा समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा बार बार देखना तो समझ में आ जाएगा, तो बार बार दाऊँगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो फिर हम चलते हैं इसको सेंटरों में लगाते हैं कि कैसे, और फिर उसके बाद में इसका हम डेमो सुनेंगे कि 7600 लगाने के बाद कितना इनहेंस होता है, और जो कस्टमर आया हुआ है, मेरा सब्सक्राइबर आया हुआ है, उसको भी हम रिव्यू लेंगे कि कितना इनहेंस हुआ है और कितना बढ़िया तरीके से हमने इंस्टॉल किया है। तो एक इक्वलाइजर एरा हमारा 7600 डीएसपी एरा। लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इसको अटैच करना है। सेम है, हेड यूनिट का आउट जो आ रहा है वो हमारा इक्वलाइजर में गया, इक्वलाइजर का जो आउट होगा वो हमारा डीएसपी में जाएगा, और डीएसपी का हमारा जो आउट होगा वो हमारा एम्पलीफायर में जाएगा। तो मैं बैक साइड से आपको दिखा देता हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कैसे करना है। इक्वलाइजर है, स्टीरियो का जो आउट आ रहा था वो हमारे इक्वलाइजर के इन में गया, यहाँ के जो आरसी आउट थी वो गई इन में। हेड यूनिट में कभी भी इन नहीं होता, हमेशा आउट होगा क्योंकि हेड यूनिट से हमेशा हम सॉन्ग का सोर्स चलाते हैं, तो ऑलवेज आउट आएगा, वो हमारे इक्वलाइजर के इन में गया। अब ये इसका आउट था जो हमारा पहले एम्पलीफायर में जा रहा था, लेकिन अब इसका आउट हम डालेंगे हमारे डीएसपी के इन में, इसमें जाएगा सारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ ऐसी ही रहेंगी, इसका आउट इसमें गया, इसका आउट इसमें गया, फिर इसका आउट एम्पलीफायर में जाएगा। इसके बाद अब थोड़ा समझ में आ गया, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कर सकते हो, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो और फ़ोन कर सकते हो, तो मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। तो अब चलते हैं इसको पूरा जल्दी से इसकी वायरिंग वगैरह करते हैं और फिर साउंड सुनेंगे। तो दोस्तों सारी चीज़ हमने लगा दी है, तो मैं अभी फ़िलहाल दिखा देता हूं आपको। हमारा सेट लगाया हुआ है पाइनियर का जो सिर्फ फ़ोन से कंपेटिबल है, ARC वगैरह इसके अंदर बढ़िया है। फिलहाल आ जाता है हमारा इक्वलाइज़र और साथ में आ जाता है हमारा DSP 7600, और ब्रोने लगा रखे हैं JBL के, हमारे हैं कोएक्सल स्पीकर्स हैं 6 इंच के, और डिग्गी में मैं आपको दिखा देता हूं। तो डिग्गी में है 12-11 है जिसके अंदर स्मॉल इंक्लोजर है, इनको थोड़ा स्पेस क्योंकि बाहर घूमना ज़्यादा इनका होता है तो इनको स्पेस चाहिए होता है, तो इस वजह से ये वाला लगा रखा है। प्लस 4 चैनल के अंदर हमारे 2 लगे हुए हैं इसके अंदर,
हमारा 69704 वो हमारा पाइनर का लगा हुआ है, और एक लगा हुआ है हमारा 8604। तो दोनों ही बेस्ट है अपने सेगमेंट के अंदर। तो इसमें हमने सबवूफर डाल रखा है, इसमें हमने स्पीकर डाल रखा है, और प्लस यहाँ पे भी हमारे वही सेम हमारे JBL के लगे हुए स्पीकर। तो थोड़ा मैं इसमें एक टिप भी दूंगा कि और क्या इन्हेंस होना चाहिए इसके अंदर, गाड़ी के अंदर, ये जो DSP जब लगा रहे हो या आप इक्वलाइजर लगा रहे हो तो और क्या चीज़ होना चाहिए। प्लस हमारे TS20 इसके अंदर गायब है, उसकी कमी है, क्योंकि TS20 सिर्फ वॉक उस क्या कहते हैं झनकार के लिए नहीं होता, और चीज़ भी साउंड आ जाती है TS20 के अंदर, जो इन्हेंस करती है, कॉम्बो बन जाता है एक बढ़िया तरीके से। स्पीकर बहुत बेटर है, 12-11 पाइनर बेस्ट है। पेटी थोड़ी और बड़ी होती तो पेस में और मजा आता, लेकिन बाइक को स्पेस चाहिए क्योंकि ये इनका टूर वगैरह चलता रहता है, तो इस वजह से स्पेस चाहिए इनको। तो अब हम चलते हैं, साउंड चलाते हैं, नॉन कॉपीराइट कोई सॉन्ग चलाते हैं बढ़िया सा, कॉपीराइट सॉन्ग देखते हैं। ये वाला चला दिया है। तो DSP के सारे मैं फीचर्स बताऊंगा, वॉल्यूम, तो ये थे हमारे ऑप्शन DSP के। जब मैं सारी जो ऑप्शंस है कॉन्सर्ट्स वगैरह लाइव स्टेडियम और ये जैज ऑडियो, तो आपको साउंड का आपको अपने आप ही पता लग गया। फिलहाल मैंने पहले ही बोला था कि गाड़ी के अंदर स्पीकर्स में थोड़ा कमी है, भाई को टिप दे दिया है, इन फ्यूचर अगर वो और बढ़ाना चाहेगा तो फिर DSP का ओरिजिनल मजा आएगा। फिलहाल इक्वलाइजर में आपको बता दो, 1 टच सारा सबवूफर है, तो इसको भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। दोस्तों आपने साउंड का सुना, क्लास, इक्वलाइजर और प्लस DSP का कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा होता है। अगर आपके स्पीकर्स आपका साथ दे जाए तो इससे बढ़िया डेडली कॉम्बिनेशन कोई नहीं है। भाई को बोला TS20 लगाए, वो नेक्स्ट टाइम लगाएगा। सिर्फ ये JBL के 4 स्पीकर लगाने के बाद आप DSP का मजा नहीं ले सकते, आपको कुछ बढ़िया चीज चाहिए, कम से कम 90 वोल्ट RMS के तो स्पीकर चाहिए आपको, प्लस ट्विटर्स तो चाहिए ही चाहिए, TS20 हो या बुलेट ट्विटर हो या कोई भी हो, आपको चाहिए ही चाहिए।
प्लस आप कंपोनेंट्स वगैरह लगे हो, अगर डीएसपी लगा रहे हो या इक्वलाइजर लगा रहे हो तो आप फाइव वे स्पीकर जो ओवल स्पीकर्स आते हैं वो लगा सकते हो, या थ्री वे स्पीकर्स पाइनियर या जेबीएल के या सोनी के कोई भी आते हैं, ये चीज अगर सेटअप आप पूरा लगा दो तो डीएसपी का कुछ और ही लेवल रहता है। फिर कानों को जो एक कॉन्सर्ट और एक जो हॉल और एक जैज का मजा आता है वो अलग ही होता है। फिलहाल मैं भाई है मेरे साथ में, मैं उनसे भी आपकी बात करा देता हूँ कि कितना मजा आया है। इनहेंस के बारे में भी मैं उनसे पूछेंगे आपके सामने ही कि हाँ ये नेक्स्ट टाइम लगाते हैं या नहीं लगाते, ये इनके ऊपर है, तो मैं ले चलता हूँ भाई के पास। तो दोस्तों वरुण भाई हमारे साथ में हैं, तो उससे उनसे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस बारे में कि उनको डीएसपी के बाद क्या मजा आया, पहले कैसा साउंड था और उसके बाद में क्या इन्हेंस हुआ है सारी चीज़ें। तो एक बार हाय बोल दो सर। हाय एवरीवन, वरुण दिस साइड, ऑल थैंक्स टू माय बडी राइट हियर। आई हैव बीन लुकिंग फॉर सम ओल्ड स्कूल शिट एंड दिस इज एक्चुअली फुल्ली ओल्ड स्कूल, बट आप नए सेट में कुछ भी ले लीजिए, डिजिटली जो मर्जी लगवा लीजिए, लेकिन जो साउंड क्लैरिटी 7600 की और 6500 की आती है इन कॉम्बिनेशन, वो आज से 15 साल भी पहले भी सुपीरियर थी, आज भी सुपीरियर है। एंड आई मीन दिस प्लेस साउंड वेलोसिटी इज अ डैम गुड प्लेस टू गेट योर टेक्निकल थिंग्स डन। 5 घंटे नहीं लगाते हैं, इन्हें पता है कि क्या चीज कहाँ जाएगी, बिल्कुल। तो 2 मिनट का काम 2 मिनट में करते हैं, फालतू में आपको घुमाते नहीं है, ठीक है। और जो सर हमने मैंने टिप दी कि हाँ कि थोड़ा इनहेंस आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा, करेंगे अब जो तुमने कहा है तो ही बना रहेगा वो करेंगे। फिलहाल को अभी भैया को गोवा जाना है, तो अभी तो फिलहाल इन्होंने जो अभी स्टब मांगा था वो मैंने दे दिया था, लेकिन फिर भी मैंने लगाने से पहले इनको कई बार बोला था कि थोड़ा सा इन 4 स्पीकरों पे डीएसपी का मजा नहीं है, थोड़ा सा आपको इनहेंस करना ही पड़ेगा, TS-20 हो गया या 3-way स्पीकर्स हो गया, कुछ ना कुछ तो एक ऐसा आउटपुट्स के लिए लगाना पड़ेगा ताकि और ज़्यादा मजा आए। तो फिलहाल दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक कर सकते हो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तो क्या पता नेक्स्ट वीडियो कुछ आपकी गाड़ी से रिलेटेड ही आने वाली हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, सेफ ड्राइव एंड डोंट ड्रिंक ड्राइव। बाय बाय सर।